तो हम लोगों का गांव जो है मल्हीपट्टी उत्तरी पंचायत में आता है, रतनपुरा गांव। बिहार। गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप लोग अच्छे होंगे। वापस से एक नए व्लॉग में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो अभी इस टाइम में है हम बिहार में और बिहार का ही वीडियो आएगा। पीछे मेरे साथ मेरा दोस्त तनवीर और हम लोग आए मारुति सुजुकी में स्कूटी लेने के लिए, न्यू स्कूटी। भाई आप लोगों को दिखाते हैं अंदर जाकर। शाबाश। तो हम लोगों को ये वाली गाड़ी पसंद आई है। और एक दो दिन के बाद हम लोग आएंगे लेने के लिए। भाई गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी आप हमारे साथ जुड़ चुके हो और आप लोगों ने जो क्लिक किया है, जो देखकर क्लिक किया है थंबनेल में, वही चीज़ हम दिखाने वाले हैं आप लोगों को। अरे कहना क्या चाहते हो? सबसे पहले हम लोगों के गाँव की ये मस्जिद, ये रही हम लोगों के गाँव की मस्जिद। तो अभी हम आ चुके हैं थलवारा रेलवे स्टेशन पे और ये अभी हम हैं ओवर ब्रिज के ऊपर में। ओवर ब्रिज जो है थलवारा रेलवे स्टेशन में दो तरह का बनाया गया है। तो अब क्या करें? जो कि अभी हम दोनों आपको दिखाएंगे। एक तो हम जिस पे अभी चलकर जा रहे हैं ये वाला, और दूसरा जो आप गाड़ी और साइकिल वगैरह ला सकते हैं और आराम से जा सकते हैं। तो बहुत बढ़िया, वो भी दिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको थलवारा रेलवे स्टेशन दिखा दें। पहले से बहुत ज़्यादा चेंजेस हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। और टिकट काउंटर की भी बात करेंगे और आपको जो ओवर ब्रिज भी दिखाएंगे। वीडियो बनाने का एक ही मतलब है, एक ही मकसद है, जो हमारे गांव से बाहर प्रदेश में है, शहर में है, उन लोगों को अपने गांव के बारे में पता लगना चाहिए कि अपने गांव में हो क्या रहा है। तो एक तो ये ओवर ब्रिज जहाँ से साइकिल और मोटरसाइकिल दोनों ला सकते हैं आप आराम से, इजी वे में। और ये रहा, यहाँ से आप जो है ओवर ब्रिज के थ्रू नीचे जा सकते हैं और ओवर ब्रिज के थ्रू ऊपर भी आ सकते हैं। और ये ब्रिज जो है, ये वाला ब्रिज मिल गया है इसमें आकर, जो आराम से आप जा सकते हैं और आ सकते हैं। पहले यहाँ पे था काउंटर वगैरह। थलवारा रेलवे स्टेशन बस इतना सा डेवलप किया है काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेरा अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इक्स खान जो चैनल था उस टाइम में जो है हम थलवारा रेलवे स्टेशन का वीडियो डाले थे बहुत पहले, एक साल से ज़्यादा हो गया होगा। फिर हमने सोचा इस वाले चैनल पे भी एक वीडियो डाल दें। तो आप लोगों को बताना चाहेंगे कि पहले जो था यहाँ पे ओल्ड वाला काउंटर यहाँ पे था, जो अभी जो है बिल्कुल तोड़ फाड़ के वहाँ न्यू बनाया गया है, तो वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। ये जो हमारे गांव से बिलोंग करते हैं, जो मुझे जानते हैं, उन लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आएगा कि ये क्या डाल दिया, लेकिन जो गांव से बाहर है भाई, उनके लिए ये खास तौर से वीडियो बनाया जा रहा है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ताकि आप लोग देखें आपके गांव में कितना सारा तरक्की हो रहा है। थलवारा रेलवे स्टेशन कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन अपने में बहुत कुछ है भाई थलवारा रेलवे स्टेशन। तो ये है टिकट काउंटर, ये वाला, यहाँ से टिकट काटा जाता है। ये है काउंटर, दो काउंटर है लेकिन एक काउंटर चालू रहता है। और यहाँ पे दिखाया जा रहा है ये बोर्ड वगैरह, गाड़ी उड़ी का क्या सिस्टम है, एक दिन में कितनी गाड़ी आती जाती रहती है। और कुछ साफ़ सफाई अभी बहुत बढ़िया है पहले से। और आपको दिखाते हैं, अभी आसिफ भाई का कॉल आ गया, आसिफ भाई से मुलाकात करना होगा। थलवारा का ये वाला बोर्ड काफ़ी दिनों से पेंट नहीं किया गया भाई, जिसकी वजह से थलवारा थोड़ा थोड़ा ब्लैक लग रहा है। थलवारा रेलवे स्टेशन ना के थलवारा। तो
आज के इस वीडियो में हमने एकदम सोच लिया है कि आज अपना फेस दिखाना ही नहीं है। रीज़न कारण वजह कुछ नहीं है, बस मन कर रहा है कि बस वीडियो करूं, फेस ना दिखाऊं। और बाकी जो है ये जो सामने का जो आप देख रहे हैं इसकी वजह से थोड़ा सा जो है ज़्यादा खूबसूरत हो गया है रेलवे स्टेशन पहले से ज़्यादा। अरे भैया आगे बढ़ ले। और पहले से ज़्यादा खूबसूरत तो हुआ है लेकिन पहले से ज़्यादा जो चहल पहल नहीं रहा अब ये स्टेशन पे। पहले जितना चहल पहल होता था। ये वही मैदान है जिसमें हमारे गांव के हर छोटे बड़े शख्स यहाँ पे खेलते हैं और खेला करते थे, अभी भी खेलते हैं। लेकिन अभी पता नहीं, हम वीडियो बनाने आए इसीलिए लग रहा कोई नहीं खेलने आया या क्या। भाई सब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। Yes, my son! उधर! उधर क्या? वाह! वाह! Good morning! वापस से एक नए व्लॉग में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। तो ये हमारे घर की गली है, घर के पास वाली गली है और यहाँ पे जो है नगर निगम वाला काम शुरू हो चुका है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो आप लोग रोड की सफाई वगैरह देख सकते हैं भाई, बिल्कुल क्लीन और क्लियर दिख रहा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, शहर वाला काम गांव में हो रहा है और गांव जो है हमारा डेवलप कर रहा है, पहले से बहुत ज़्यादा डेवलप किया है। यहां से लेकर जहां तक आप देखेंगे हर जगह झाड़ू ही झाड़ू लग रहा है भाई, झाड़ू पूरे में लग रहा है। पहले की बीमारी होगा सबका बुरा हाल, तो क्या करें भैया। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। और इस तरफ भी देखें, इस तरफ भी झाड़ू लग रहा है यहाँ पे भी। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे सरपंच साहब खड़े हुए हैं और वहाँ पे नगर निगम वाला ठेला और वहाँ पे लोग और साफ सफाई हो रहा भाई सुबह सुबह। तो हम लोगों का गांव जो है मल्लीपट्टी उत्तरी पंचायत में आता है, रतनपुरा गांव। गांव कोई सा भी हो खुशी होना चाहिए, इतना बड़ा कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये देखे भाई नगर निगम वाला। तो हमारे कहने का मतलब है गांव मैटर नहीं करता भाई, काम मैटर करता है, पंचायत भी मैटर नहीं करता, पंचायत के लोग मैटर करते हैं। हमारे इस पंचायत में मल्लीपट्टी उत्तरी पंचायत में रतनपुरा गांव आता है, यहां के मुखिया जी हैं सनाउल्ला खान साहब और सरपंच साहब हैं तौसीफ साहब, जो दोनों मिलकर जो बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने गाँव के लिए। और ये सामने पानी का टैंकी, ये